10 गेंद 50 रन। मुंबई की गर्मी में ईशान किशन ने कर दी चौके छक्कों की बारिश। ऐसा खेल दिखाया कि केकेआर के गेंदबाजों को कुछ नहीं समझ आया। मैच के दौरान हो गई तकड़ी जंग। नीतीश राणा ने बल्ला उठाया, जूनियर ने उंगली दिखाई, इसलिए हुई थी दोनों की लड़ाई। काम कर गई मुंबई की चाल, केकेआर को मैच से पहले ही हराया। रोहित ने कदम क्यों उठाया? मुंबई में हुई लकी खिलाड़ी की एंट्री, टीम में आते ही हो गया चमत्कार। मैदान पर सचिन को बुलाया, सचिन ने जीतने का नुक्ता बताया। जी हाँ, अपने घर में मुंबई का इतिहास हमेशा से बेहतर रहा है, लेकिन मुंबई की हालत पिछले साल से कुछ सही नहीं चल रही है। लेकिन इस मैच में मुंबई ने ऐसी चाल चली जिसके बाद मुंबई के मैनेजमेंट की तारीफ हो रही है। मुंबई ने जब से रोहित को कप्तान बनाया उसके बाद से पहला मौका है जब मुंबई ने रोहित को बाहर करके फिर भी खिलाया है। खैर, रोहित के बाहर होने के कई संकेत मिल रहे हैं, लेकिन पहले बात ईशान किशन की, जिनकी बल्लेबाजी के तूफान में मुंबई की गर्मी में भी बारिश होने लगी। ईशान किशन ने आईपीएल 2023 के 22वें मुकाबले में चौके छक्कों की बारिश करके 50 ठोक दी। ईशान की सीजन की पहली 50 है। उन्होंने 21 गेंदों में 50 रन पूरे किए। अपनी पारी के दौरान ईशान ने 5 चौके और 5 छक्के लगाए, मतलब ईशान ने केवल 10 गेंदों पर 50 रन ठोक दिए थे। इससे आप ईशान की तेज तर्रार पारी का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस मैच में एक पल वो भी आया था जब दो खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। चलिए आपको पहले मैच की रोमांच की कहानी बताएं, उससे पहले 3 बातें जान लीजिए। नंबर 1, इस मैच में पहली बार रोहित शर्मा इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर खेलते हुए नजर आए और मुंबई का कप्तान रोहित शर्मा को बनाया गया। नंबर 2, इस मैच में सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने अपना आईपीएल डेब्यू किया। हर किसी को अर्जुन के डेब्यू का इंतजार था और आज आखिरकार वो मौका आ ही गया। नंबर 3, इस मैच के दौरान केकेआर के बल्लेबाज वेंकटेश्वर ने शतक लगाया। केकेआर के इतिहास में एक कारनामा 15 साल बाद हुआ। इससे पहले साल 2008 में मैकुलम ने आईपीएल के पहले सीजन के पहले मैच में केकेआर के लिए शतक लगाया था। उसके बाद से केकेआर का कोई भी बल्लेबाज शतक नहीं लगा पाया, लेकिन आज अय्यर ने वो कारनामा करके दिखाया। लेकिन इस मैच में उस वक्त हर कोई हैरान रह गया जब शौकीन और नीतीश राणा के बीच गर्मा गर्म बहस हो गई। मैदान का माहौल इतना गर्म हो गया था कि खिलाड़ियों के बीच बीच बिचाव कराना पड़ा। वैसे भी सीजन में अभी तक खिलाड़ियों के बीच टकराव का कोई बड़ा और विवादित मामला सामने नहीं आया था, लेकिन रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गर्मा गर्मी बढ़ गई, वो भी दिल्ली के दो खिलाड़ियों के बीच जो अलग अलग टीमों से खेल रहे थे। मैदान पर मुकाबला बराबरी का चल रहा था तभी केकेआर के कप्तान नीतीश राणा और मुंबई के स्पिनर ऋतिक शौकीन के बीच भयानक स्थिति पैदा हो गई और नौबत उंगली और बल्ला दिखाने से गाली गलौज तक पहुंच गई। पहले बैटिंग कर रही कोलकाता ने 8 ओवर में 73 रन बना लिए थे और 2 विकेट गंवा दिए। क्रीज पर नीतीश राणा आए थे, 9वें ओवर में मुंबई के 22 साल के स्पिनर ऋतिक शौकीन की पहली गेंद को नीतीश राणा ने हवा में खेल दिया, लेकिन बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। इधर नीतीश पवेलियन की ओर लौट रहे थे तभी ऋतिक शौकीन ने उनकी ओर उंगली का इशारा किया और नीतीश रुक गए। नीतीश राणा और ऋतिक के बीच इस बवाल ने करीब 10 साल पुराने एक झगड़े की याद को ताजा कर दिया। इससे पहले साल 2013 में भी दिल्ली के एक जूनियर और सीनियर खिलाड़ी के बीच टक्कर हुई थी। उस वक्त केकेआर के कप्तान गौतम गंभीर और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के युवा कप्तान विराट कोहली आपस में भिड़ गए थे। तो आपका मुंबई की इस जीत पर और नीतीश राणा और शौकीन की लड़ाई पर क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि अब रोहित की जगह सूर्या को मुंबई का कप्तान बना देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।